हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद के पिच रिपोर्ट के बारे में। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो है यहाँ पे थर्ड मैच होने वाला है। देख लेते हैं एक बार किस तरह से पिच रिपोर्ट रहने वाला है, और यहाँ पे जो है आपको पिच रिपोर्ट जब पता चल जाएगा तो आप देख लोगे जिस तरह का पिच रिपोर्ट जो है वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑलमोस्ट मैचेज में जो आप देखोगे तो मैचेज जो है उसी आधार पर होते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जो है आप ये पिच जो है वो आप एनालिसिस करोगे और इसके हिसाब से जो अपनी टीमें फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो अभी तक जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और साथ में अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप सेशन में टीम में प्रोफाइल बनाना चाहो, तो ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट बनाने की अपनी जर्नी है उसको जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर बात करता हूँ मैं, तो ये देखोगे 2004 में जो ग्राउंड ओपन किया गया था, कैपेसिटी जो है बहुत ही अच्छा खासा है। और आपको पता होगा कि टिकट इतने ज़्यादा सेल हो रहे हैं यहाँ पे कि आपको ना आपने देखा होगा कि ट्विटर पे हर जगह जो है ट्रेंड कर रहा था कि हैदराबाद में टिकट नहीं मिल रहा है, लोग इतनी ज़्यादा भीड़ में जो है टिकट ले रहे थे कि मारा मारी जो हो टिकट के लिए चल रहा था। इस तरह का जो है वो ये ग्राउंड है और यहाँ पे मैच होना बनता है, चाहे बारिश हो या ना हो, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बारिश ना हो। जिस तरह का यहाँ पे क्रेज़ है अभी मैच का, ये मैच जो है बिल्कुल होना चाहिए और हम सभी जो है इंजॉय करें। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो देखोगे तो ये जो है अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखोगे, अगर मैं आईपीएल के हिसाब से बोलता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड की तरह जो है बिहेव करता है ओवरऑल। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर रन नहीं बनते, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रन बनते हैं, इवन 190 प्लस जो है यहाँ पर रन बनता हुआ नज़र आता है। और इवन जो यहाँ पर लास्ट T20 मैच हुआ था उसमें आप देखोगे कि वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर 207 रन बनाए थे। तो ये ग्राउंड जो है ये बहुत ही अच्छा जो है फेवर करता है, खासकर अगर स्पिनर बॉलिंग की बात करते हैं तो यह स्पिनर बॉलिंग को जो है काफ़ी अच्छा फेवर करता है। और इसका रीज़न भी है कि ग्राउंड जो है बहुत ही बड़ा है, बैट्समैन जो है और स्पिनर पर जल्दी से जो है ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाता है, तो इस तरह का जो है सीनरियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आईपीएल की बात जो है वो अलग होती है, क्योंकि आईपीएल में क्या होता है कि आईपीएल में जो है वो टीमें अपने हिसाब से जो है टीम बनवाती है। जैसे चेन्नई जो है बहुत ही खतरनाक बॉलिंग पिच बनवाता है, इसके अलावा देखोगे तो हैदराबाद जो था वो भी जब पहले स्पिनर थे हैदराबाद में तो वो भी जो है बहुत ही खतरनाक स्पिन वाले जो है ग्राउंड बनवाते थे अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो है इंटरनेशनल मैचेज है तो उस तरह का जो है वो आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ग्राउंड बाउंड्री जो होगा जो यहाँ पे तो बड़ा होगा। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी जो आप देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि मैच जो यहाँ पर फुल होते हुए नजर आएगा। बारिश रहेगा अभी तो भी जो है ग्राउंड जल्दी से यहाँ पर सुखा दिया जाता है ये ग्राउंड ग्राउंड, तो उस तरह का जो है सीनरी आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बाउंड्री तो बड़ा होगा तो रन भी जो है थोड़ा सा कम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे छक्के कम लगते हैं, चौके जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा बात करें तो स्पिनर जो है पे काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो है पे स्विंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो आपको स्विंग बॉलिंग वो जो है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैटिंग जो है कौन, तो जो जो अच्छे फॉर्म में है उनको जो है आप यहाँ पे बैटिंग में लेकर चल सकते हो, और जो टेक्निकल काफ़ी अच्छे खेलते हैं उनको आप बैटिंग में यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, और उनके हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रहेगा बैटिंग के हिसाब से। और थोड़ा सा जो है शुरुआत में अगर कोई रुक जाता है तो एक अच्छा सा जो है बैटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं बॉलिंग के हिसाब से, जो स्विंग बॉलर्स है शुरुआत में थोड़ा सा खतरनाक साबित यहाँ पे होते हैं, जो कि हर जगह होते हैं, तो स्विंग बॉलर्स जिसकी बॉलिंग का ओपनिंग करेंगे आप उनको जो है थोड़ा सा सावधान यहाँ पर लेके चल सकते हो, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर विकेट मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं स्पिनर के लिए, तो स्पिनर के लिए जो है ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हैदराबाद तीन तीन स्पिनर के साथ जो है कभी कभी मैचेस खेलता था, तो उस तरह का जो है ग्राउंड है यहाँ पे कि यहाँ पे बाउंड्री जब बड़ा रहता है तो ऐसे भी जब कोई भी स्पिनर आता है तो जब स्लो फेंकता है जैसे जंपा जैसे हो गए, और इसके अलावा जो है आप चहल हो गए या फिर अक्षर पटेल हो गए, तो ये ऐसे स्पिन बॉलर हैं जो कि आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है इनको मदद मिल सकता है, काफ़ी अच्छा जो है ये बॉल जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे, और इनको एक अच्छा खासा जो है विकेट भी मिल सकता है, क्योंकि एक तो बाउंड्री भी बड़ा है, तो वह जब बाउंड्री बड़ा होता है तो किसी भी बैट्समैन को जो है थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए, तो उस तरह का जो है सीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे तैयार हो सकते हो अपनी टीमों को जो है पिक करने के लिए, अपनी चीज़ें जो है बनाने के लिए, और अपने हिसाब से इस ग्राउंड को समझने के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर आता है वो है कि देखो, हमने बैट्समैन के हिसाब से देख लिया, बॉलर के हिसाब से देख लिया, दूसरा फैक्टर आता है कि यहाँ पे मौसम जो है वो अभी कैसा है। तो मौसम जो अभी देखोगे तो बारिश के चांसेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा है, तो बारिश के चांसेस जब भी रहता है तो ग्राउंड जो है वो वैसे भी थोड़ा सा गीला रहेगा, और जब गीला रहेगा तो देखो दोनों को फायदा होता है, बॉलर की भी होता है बैट्समैन की भी होता है। बॉलर को इसलिए होता है कि बॉलर जो देखोगे तो बॉल जो है थोड़ा सा स्विंग ज़्यादा करता है जब बॉल जो है थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है तो, और इसके अलावा जो है बैट्समैन के हिसाब से भी होता है कि ग्राउंड जब भीगा हुआ रहता है तो बॉल जो है वो आसानी से छूट जाता है हाथों से, तो नहीं जो है वो अच्छे से जो है वो ग्रिप कर पाता है बॉलर, तो उसे क्या होता है कि बॉल जो है वो अपने लाइन लेंथ पे पहुंच नहीं पाता, जिससे बैट्समैन को जो है काफ़ी मदद मिलता है।
तो जब ग्राउंड थोड़ा सा गीला रहेगा, अगर आउटसाइड भी थोड़ा सा गीला रहता है, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे बेनिफिट बैट्समैन को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बॉलर, कि बॉलर को जो है तो रन अप पे भी तो थोड़ा सा इफेक्ट डालता है और साथ में थोड़ा सा एक्शन पे भी जो है वो इम्पैक्ट डालता है अगर ग्राउंड जो है गीला रहता है। तो जब बारिश होगा तब का जो है एक अलग जो है वो रोल रहेगा, क्योंकि अभी ऐसे भी पता है कि आपको इंडिया में जो है रेनी सीजन है, तो वैसे टाइम पे जो है थोड़ा सा इफेक्ट जो है ज़रूर करेगा मैचों को, लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि मैच जो है पूरा हो और सभी जो इसको इन्जॉय करें। इसलिए आप यहाँ पर जो डाटा है रिसेंट वो देख सकते हो कि इंटरनेशनल में तो एक ही मैच अभी रिसेंट में जो था वो वेस्ट इंडीज़ ने 107 बनाया था, और इसके अलावा बात करें डोमेस्टिक में तो यहाँ पे आईपीएल के जो मैच है वो 64 हो चुके हैं, जिनमें से 28 फर्स्ट पर जीता है और 35 जो सेकंड पर जीता है, और फर्स्ट पर एवरेज आप देखोगे तो 158 है, जो कि कम नहीं है। अगर 64 मैच में 158 रन है तो इसका मतलब कि 160-170 यहाँ पर जो है रन आराम से बनता हुआ नज़र आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा बैटिंग हुआ तो, थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो 180 प्लस जो है वो रन यहाँ पर बन सकता है, और जब 180 प्लस से ऊपर रन जाएगा तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा सीनरियो जो है वो ज़्यादा फर्स्ट बॉल फर्स्ट बैट के जो है कंपेयर में होगा, और यहीं अगर 160 के आसपास रन बनता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि सेकेंड बैट जो है थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करेगा इस ग्राउंड पे। तो इस तरह का जो है सीनरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होप से वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े थे जो है व्हाट्सअप का नंबर है आप यहाँ पर जुड़ जाना, साथ में आप कॉल पर वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।